अब अभी हम लोग 11 बजे से आके लगे हैं। टाइम देखिए अभी 12:45 हो गया, कोई अच्छी नहीं, अभी 2 घंटा और लगेगा। अभी 100 आदमी है हमारे आगे, क्या सिस्टम हम लोग को बुझा नहीं रहा। सिस्टम स्वागत है आपका सुनो समाचार में। आज दिनांक 9 मई 2021 से बिहार में 18 वर्ष से लेकर 44 वर्ष तक के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। ये दृश्य जो आप देख रहे हैं लहलादपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का दृश्य है। थोड़ा सा कुप्रबंधन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मिसमैनेजमेंट दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं लोगों के बीच में जो सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए वो नहीं है। भले ही लोग टीकाकरण के लिए आए हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पे मेंटेन होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे लग रहा है कि सब कोई एक दूसरे पे चढ़े हुए हैं, भीड़ टाइप का लग रहा है। दूसरी बात यह है कि लोगों की भी शिकायत है अस्पताल प्रबंधन से कि उन्हें वैक्सीन लेने के लिए समय दिया गया था 9 बजे, लेकिन वैक्सीनेशन जो है देरी से शुरू किया गया। ठीक है, हालांकि डॉक्टर ने बताया कि भले ही आज पूरा दिन लग जाए लेकिन जितने लोगों को आज टाइम मिला है, जितने लोगों का आज स्लॉट है, उन लोगों को कहीं ना कहीं से आज जो है वैक्सीन दिया जाएगा। आपको बताते चलें, सुनो समाचार आपसे भी अपील करता है कि आप भी वैक्सीन जरूर लें। लोग अफवाह फैलाएंगे, डर की बात फैलाएंगे, लेकिन नहीं डरना है। एक जिम्मेदार नागरिक की तरह आपको भी वैक्सीनेशन में भाग लेना है। इसके लिए आप अपने मोबाइल से आरोग्य सेतु ऐप पे अपने से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बड़ी ही आसान प्रक्रिया है जिसमें केवल आधार नंबर आपको देना है, अपना नाम बताना है, आपको जो डेट ऑफ बर्थ जो है उसमें ईयर जो है आपका, केवल साल किस साल आपका जन्म हुआ ये बताना है आपको, और बहुत ही आसान प्रक्रिया के द्वारा आप अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करा सकते हैं। इस बार बिहार में लगभग 18 से 45 यानी 60% आबादी जो है वैक्सीनेशन के दायरे में आ जाएगी और फिर इस तरह से कोरोना का डर जो होगा खत्म होगा। सुनो समाचार की ओर से मैं मनोज कुमार सिन्हा, कैमरा मैन नीरज कुमार के साथ आपका हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूँ। आज 18 से लेकर के 44 वर्ष की उम्र वालों को कोविड-19 के टीकाकरण होने जा रहे हैं। आज आइए उनका लाइव दिखा रहा हूँ और उनसे पूछ रहा हूँ क्या अंगित राज कहाँ घर हुआ आप रजिस्ट्रेशन करा लिया है किससे रजिस्ट्रेशन आइए देखिए। हाँ पहले दिन 18 से 44 वर्ष के लोगों की टीकाकरण के लिए काफ़ी भीड़ लगी हुई है। युवा इतना जागरूक हैं कि इन कड़ी धूप में भी अपने पारी का इंतजार कर रहे हैं। खाना मेरे बाबा आपका रोहित कहाँ घर हुआ ढाईपुर। अच्छा, कितने बजे आप खड़े हैं? 9 बजे से खड़े हैं। 9 बजे से खड़े हैं धूप में। अच्छा, अभी तक आपका लाइन नहीं है स्टेशन में, क्या गेट भी देता है क्या? 9 से 11 टाइम भी निकल पाता। अच्छा, 11 बजे यहाँ स्टार्ट हुआ कहना है कि 9 बजे से टाइमिंग दिया हुआ है, 9 से 11, मगर 11 बजे का टाइम दिया हुआ है, मगर 11 बजे हॉस्पिटल नहीं खुला है। आइए उसका मुख्य कारण क्या है स्टाफ से जानते हैं। अभी मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ललादपुर के चिकित्सा पदाधिकारी मोहम्मद अशरफ अली से यहाँ के विधि व्यवस्था के बारे में जानना चाहूँगा कि आज 18 से 44 वर्ष के उम्र वालों के टीकाकरण लगाने में क्या क्या सुविधा है और क्यों विलम्ब है। टीकाकरण से पहले इम्यूनाइजेशन सेंटर से कोल्ड चेन के थ्रू डालते हैं टीका को,
उसको भी देखना जरूरी है, प्लस रूम का सैनिटाइज भी होना बहुत जरूरी है। पब्लिक का सेफ्टी का ख्याल रखते हुए 10-15 मिनट आगे पीछे होता है, लेकिन जब तक पूर्ण टीकाकरण आज का नहीं होगा हम यहाँ से। जैसे उन लोगों का कलम है कि सुबह से हम लोग पढ़े हैं 9 बजे से, उनके मोबाइल में सूचना आई है कि 9 से 11 बजे टीकाकरण देना है, जब उन लोगों का कलम है कि 11 बजे से ही हमारा शुरू होगा। नहीं, 10 बजे हम लोग शुरू कर दिया है। अब अभी कोई जानिए टीका ली है, क्या नाम आपका? कहाँ घर वाला? क्या टीका लेने के लिए आपको प्रेस दिया? अच्छा, अपने मन से लिए, स्वेच्छा से लिए। और दूसरे को संदेश क्या देना चाहते हैं टीका लेने के लिए, COVID-19 के टीकाकरण के बारे में आप दूसरे को क्या संदेश देना चाहते हैं? सुरक्षित के लिए निकला तो सब लोग ले, सबको लेना चाहिए जी।